उत्तराखंड में शिक्षकों की बंपर भर्ती निकल गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लेक्चरर के पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई है, जबकि एलटी और प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भी भर्ती निकलने जा रही है। तो बड़ी खबर है और सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है जो काफी लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके साथ ही अगर एलटी की बात करें तो एलटी की भी वैकेंसी नेक्स्ट मंथ यहाँ पर निकलने जा रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है और इनके पदों पर भी वैकेंसी निकलने जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्चरर के पदों पर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2020 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह ग, इसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा के पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो एतत् उत्तराखंड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा यानी प्रवक्ता समूह ग सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2020 के रिक्त 571 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु 12 अक्टूबर 2020 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने एवं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020 तक रखी गई है। तो आपको बता दें कि 12 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे और 1 नवंबर तक रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया और बहुत ही अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार काफ़ी लंबे समय से प्रवक्ता या फिर एलटी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ पर मांग कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से भर्ती रुकी हुई थी। तो अब जो है यहाँ पर सबसे पहले प्रवक्ता की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। एलटी की भी नेक्स्ट मंथ यहाँ पर निकलने जा रही है, जबकि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है। तो आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, तो हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। तो हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिम रोक हटा दी गई है, इससे जो 2000 पद हैं उनकी विज्ञप्ति यहाँ पर जल्द जारी होगी। साथ ही जो 750 जो पद थे जिसकी भर्ती अटकी हुई थी, इसकी भी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होने जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करें। खंडपीठ ने करीब 750 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को विशेष अनुमति दे दी है। तो जो पुरानी भर्ती थी 750 पदों पर उस पे भी यहाँ पर उसके भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि 2000 पर नए पद यहाँ पर निकलने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की, तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अब जो है प्रवक्ता में इंटरव्यू नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर दो पेपर का आयोजन होगा। एक पहला पेपर यहाँ पर स्क्रीनिंग का होगा और दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा। तो पहले आपको स्क्रीनिंग परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही आप सब्जेक्टिव जा सकते हैं। तो स्क्रीनिंग के लिए हमने यहाँ पर सिलेबस डाला हुआ है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी चैनल की। इसके साथ ही हमने प्रवक्ता का जो पहला पेपर होगा, जो कॉमन पेपर है यानी जो सबको देना है, उसकी हमने यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर भी डाले हुए हैं। तो आप वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, साथ ही हम यहाँ पे कंटिन्यू डाल भी रहे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग की ही तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें जीएस उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। और अगर आप वो पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप अपने सब्जेक्ट तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप पहला पेपर की तैयारी करें। तो अगर आपको सिलेबस पता नहीं है कैसे अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ हमने सिलेबस भी डाला हुआ है, साथ ही हमारे पास सभी प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं जो हम वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे आप यहाँ पर हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके हमारे चैनल पर जा सकते हैं, या फिर आप YouTube में जाकर के स्टोरी एजुकेशन विद आशीष सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जाएंगे तो ये हमारे चैनल का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, और इस प्रकार से ये हमारा चैनल है यहाँ पे स्टोरी एजुकेशन विद आशीष के नाम से। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो प्लेलिस्ट में अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए इधर हमने डाला हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने उत्तराखंड लेक्चर का सिलेबस डाला हुआ है। तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये देखिए हमने बताया हुआ है कि लेक्चर का सिलेबस कैसा है। तो यहाँ पर आपको लेक्चर का ये सिलेबस है पहला पेपर, और इसके साथ देखिए यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा है इसका हमने सभी पार्ट यहाँ पर डाले हुए हैं, लगातार जो जो पार्ट थे। तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट में हमने बनाया हुआ है उत्तराखंड लेक्चर हैंड रिटन नोट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए यहाँ पे हमने पार्ट वन हैंड रिटन नोट्स, ये देखिए जो भी जितने भी सिलेबस के आधार पर ये नोट्स हैं पहला पेपर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। और देख सकते हैं यहाँ पे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सभी पार्ट हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं आपको। तो ये पूरे पाठ हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के ये देख सकते हैं। इसके साथ ही आप आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेक्चर की यहाँ पर डालते रहेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, इसके साथ ही कैसे आपको तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है इसका, और कैसे अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, इन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम डालते रहेंगे।